स्टूडेंट, दिस इज महबूब हसन, योर फिजिक्स मेंटर। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ डाइपोल एट इक्विटोरियल पॉइंट। ओके, इससे पहले हमने डिस्कस किया था, इससे पहले की वीडियो में जो हमने बात किया था वो कैलकुलेट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट। ठीक है, उसके एक्सिस पे कोई पॉइंट था, वहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया था। बहुत अच्छे दोनों एग्जाम्पल हैं, इसकी हेल्प से हमको बहुत ईजिली हम कैसे फैक्टर्स को ऐड करते हैं वो हम भी इससे क्लियर कर लेंगे। ओके, ये और भी अच्छा है, इसको देखते हैं कैसे करते हैं। तो सपोज कर लेते हैं हमारे पास कोई डाइपोल है। डाइपोल क्या है? ए पेयर ऑफ टू चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस ऑफ अपोजिट चार्ज। कैसे होने चाहिए? अपोजिट नेचर के। तो सपोज कर लेते हैं ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है और इट इज नेगेटिव चार्ज है, सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस। तो मैंने सपोज कर लिया इनके बीच का डिस्टेंस दैट इज 2a है। ओके, कैलकुलेशन इजी पड़ती है, चाहो तो आप ए भी कर सकते हैं। सो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। ओके, इसके मिड पॉइंट से इक्विटोरियल पॉइंट पर, इक्विटोरियल प्लेन में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। ओके, पी को हमने कहां कैलकुलेट करना है? इसके मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर इक्विटोरियल पॉइंट पे कोई पॉइंट है दैट इज पी, उस पे हमने डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। ओके, So, इस चार्ज से डिस्टेंस क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल है, इक्विटोरियल पॉइंट है, तो ये क्या बनेगा? राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। इट इज मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल, टोटल डिस्टेंस कितना है? 2a, तो a ये रह जाएगा और a ही डिस्टेंस क्या रह जाएगा? ये रह जाएगा। इज इट क्लियर? सो ये क्या हो जाएगा? r ये है, a ये है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से हम इसका हाइपोटेनस फाइंड आउट कर सकते हैं और इसका वैल्यू क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है? हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। राइट एंगल ट्रायंगल में इसको अप्लाई करते हैं तो सिमिलरली ये क्या? हाइपोटेनियस। सो हाइपोटेनियस का स्क्वायर का इक्वल हो जाएगा बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सिमिलर फॉर्मूले से हमने इसको कैलकुलेट किया। ओके, सिमिलरली पी पॉइंट इक्विटोरियल पॉइंट है, इक्वल डिस्टेंस पर होगा, सो क्यू माइनस क्यू चार्ज से भी पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा? आर डिस्टेंस ये रहा, ए ये रहा, तो ये डिस्टेंस भी क्या रहेगा? सेम रहेगा, आर स्क्वायर रूट ऑफ, ये डिस्टेंस भी कितना रहेगा? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इस सब का होल पावर 1/2 स्क्वायर रूट 1/2। ओके, अब हमने कैलकुलेट करना है, इज इट क्लियर? सो मैंने सपोज कर लिया चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज प्लस Q की वजह से जो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज E1। So, E1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/4πε0। हमने कल डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में क्या था कि कोई भी इक्विटोरियल पॉइंट पर किसी भी चार्ज है, कोई चार्ज Q है और इससे r डिस्टेंस पर, चार्ज कोई Q है और इससे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P अगर है तो उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज P इज इक्वल टू क्या होता है? 1/4πε0 Q ओवर r स्क्वायर। r क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। तो सिमिलरली हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, इस बार चार्ज कितना है? क्यू, और डिस्टेंस हमारे पास ये रहा और पी पॉइंट पर हमने कैलकुलेट करना है। तो सिमिलर फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ई का वैल्यू क्या हो जाएगा? ई1 का वैल्यू हो जाएगा 1/4πε0 क्यू, चार्ज कितना है? क्यू ओवर डिस्टेंस। सो डिस्टेंस कितना है? स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, और इस सब का क्या हो रहा है? होल स्क्वायर हो रहा है, तो इस सब का होल स्क्वायर कर देते हैं। फॉर्मूले में क्या था? आर स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर देते हैं। इज इट क्लियर? और आगे सॉल्व कर लेते हैं। सो ये क्या हो जाएगा? E1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q ओवर, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली केस बच्चों, माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज का डिस्टेंस भी सेम है और सब कुछ सेम है, बट ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो माइनस साइन की वजह से सिर्फ डायरेक्शन का डिफरेंस आएगा, डायरेक्शन में चेंज आएगा, मैग्नीट्यूड क्या लेना है? सेम लेना है। ठीक है, तो मैंने सपोज कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू इज E2, then E2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? सिमिलर रहेगा, बस डायरेक्शन का केस चेंज होगा। सो क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q
क्यू ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सेम डिस्टेंस ये है, सेम ही डिस्टेंस ये है, दोनों का डिस्टेंस सेम है तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, बस डायरेक्शन का फर्क आएगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ये जो मैंने लिखे हैं ये क्या है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोनों इक्वेशंस E1 और E2 के। अब इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं। सो डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, थोड़ा सा पिक्चर्स को मैं कम कर रहा हूं। जो मैंने क्या बताया था लास्ट वीडियो में, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, और ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं वो क्या होते हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन में, और ड्यू टू नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, इनवर्ड डायरेक्शन में। तो अब पॉइंट पी पर इस पर जो चार्ज होगा उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस होगी वो क्या होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज E1। इज इट क्लियर? अगर बात करूं मैं E2 की, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी एट पॉइंट पी, इनवर्ड डायरेक्शन में, और दिस इज E2, ये तो होगा E2। अब देखिएगा ये क्या है, E1 and E2 क्या है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। E1 और E2 क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। सो इनको ऐड करने का फॉर्मूला क्या होगा, कैसे ऐड करेंगे, एज लाइक ए वेक्टर। सो वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, जैसे मैंने कूलम्स फोर्स को ऐड करने का कैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व किए थे उसमें क्या किया था, वेक्टर्स को कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक किए थे। अगेन यहां पर भी हम इसको कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं। सपोज दैट ये एंगल क्या है, थीटा है। ठीक है, मीन ये जो लाइन है इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है, थीटा। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लेते हैं और ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। इज इट क्लियर? सिंपल ज्योमेट्री अप्लाई करेंगे, अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। सिमिलरली जेड पर एंगल बनना है, टू पैरेलल लाइंस है, ये एक लाइंस है और ये एक भी पैरेलल लाइंस है। सो टू पैरेलल लाइंस है तो ये एंगल भी क्या होगा बच्चों, थीटा होगा। इज इट क्लियर? ये तो हो गया एक हॉरिजॉन्टल, और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज दैट दिस इज वर्टिकल लाइंस। ओके, सो कैसे कंपोनेंट्स फॉर्म में ब्रेक करेंगे, हॉरिजॉन्टल एंड कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स में। E1 की बात कर लेता हूं। सो E1 का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा। ये रहा E1 cos थीटा, कैसा आएगा, E1 और cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा। अगर बात करूं मैं E1 के वर्टिकल कंपोनेंट्स का, तो E1 ये रहा, वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या हो जाएगा, E1 sin थीटा, E1 sin थीटा। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या हो जाएगा, E1 sin थीटा। इज इट क्लियर? अब बात कर लेते हैं E2 का, तो E2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसको लाइक दिस ब्रेक करना है, कभी इस तरीके से ब्रेक करके यहां पे नहीं लेकर आएंगे। ठीक है, तो E2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स क्या हो जाएगा, E2 cos थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स क्या हो जाएगा, E2 cos थीटा। ओके, वर्टिकल कंपोनेंट्स ऊपर नहीं जाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में ये है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, दैट इज क्या हो जाएगा, E2 sin थीटा। इज इट क्लियर? हॉरिजॉन्टल E2 का, E1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स E1 cos थीटा इस डायरेक्शन से अलोंग होगा, वर्टिकल कंपोनेंट्स अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, E2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ये डायरेक्शन में रहेगा और वर्टिकल कंपोनेंट्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से इज इट क्लियर है बच्चों, ये इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से ये तो हमें क्लियर है कि E1 और E2 का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। ओके, सो E1 और E2 क्या है, इक्वल है, दैट इज E1 इज इक्वल टू E2। ओके, E1 क्या है, E2 के इक्वल है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो E1 इसको क्या लिख सकता हूं मैं, E1 इक्वल टू E2, और मैंने सपोज कर लिया इट इज इक्वल टू E। ठीक है, दोनों को E के सपोज कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा, E1 sin थीटा दैट इज E sin थीटा, और ये भी क्या हो जाएगा, E2 sin थीटा दैट इज E sin थीटा। E1 sin थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में, E2 sin थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दोनों इक्वल हैं, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, यानी कि न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो अपवर्ड वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हमको एक्सपीरियंस नहीं होगा। ठीक है, पॉइंट पी पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट्स नहीं होगा। ओके, अब बात कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स का, तो E1 cos थीटा किस डायरेक्शन में है और E2 cos थीटा भी सेम डायरेक्शन में है, तो पी पर, पॉइंट पी पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, पॉइंट पी पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू
टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी या मैं कहूं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ई क्या हो जाएगा, ई वन कॉस थीटा प्लस ई टू कॉस थीटा। ई वन और ई टू दोनों इक्वल है सो ये क्या हो जाएगा, इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, यहां से ई वन इक्वल टू ई टू इक्वल टू ई, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा ई कॉस थीटा, या दोनों को इक्वल है तो टू ई वन कॉस थीटा लिख सकते हैं, ऐसे लिख दीजिए चूंकि ई यहां पर भी आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2e1 cos थीटा, दोनों इक्वल हैं। अब cos थीटा का वैल्यू हमने फाइंड आउट करना है, cos थीटा का वैल्यू हमने फाइंड आउट करना है, तो सिंपल इस ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रायंगल का नाम मान लेते हैं, इस पॉइंट का नाम मान लेते हैं, ये तो q है ये माइनस q है, इस पॉइंट का नाम मान लेते हैं, या मैं कहूं इस ट्रायंगल में हमें अप्लाई कर देते हैं सिंपल ट्रिग्नोमेट्री। सो cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर सिंपल ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे तब cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो इस ट्रायंगल में बेस कितना है a, बेस क्या है a, ये टोटल डिस्टेंस 2a था तो ये कितना था a, और हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस का वैल्यू क्या आया था स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये तो था पाइथागोरस थ्योरम से हमने कैलकुलेट किया था, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ओके cos थीटा का वैल्यू आ गया, cos थीटा का वैल्यू पुट करते हैं और e1 का वैल्यू भी यहां पे पुट कर देते हैं। ओके इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 e1, e1 का वैल्यू क्या है 1/4 pi epsilon naught q ओवर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ओके 2 e1 cos थीटा, cos थीटा का ये वैल्यू पुट कर देते हैं क्या हो जाएगा a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा 2qa, 2 ये रहा qa, सो e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to 2qa into 1/4 pi epsilon naught, अलग लिख रहते हैं इसका वैल्यू हमें डायरेक्ट पता होता है कितना होता है 9 to 10 to the power 9, इसलिए इसको अलग लिखते हैं, मल्टीप्लाई करके लिखने की जरूरत नहीं रहती है। r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 1 ये है और हाफ ये है तो पावर कितना देगा 3/2, इज इट क्लियर। So it is net electric field at point P. कितना हो जाएगा 2qa over r square plus a square इस सबकी whole power 3/2. Okay? E is equal to, ठीक है हमें पता है कल हमने डिस्कस किया था मैग्नेटिक डाइप सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट E is equal to क्या होता है कोई एक चार्ज और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस का प्रोडक्ट, मीन 2qa क्या होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो 2qa ये क्या हो जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 pi epsilon naught, वैल्यू पुट कर देते हैं क्या हो जाएगा p अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इस सब की होल पावर 3/2, इट इज द फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और मैं कहूं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट p एट इक्विटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। ओके डाइपोल के इक्विटोरियल पॉइंट पर कोई पॉइंट p था उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसको और इजी फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो वी नो दैट हमने तो डिस्कस किया था कि जो डाइपोल फॉर्म होता है, जो डाइपोल होता है वो एटॉमिक लेवल की बात होती है, एटम्स के अंदर ही क्रिएट होता है। ओके सो बहुत स्मॉल डिस्टेंस होता है, मैं कहूं a क्या हो जाएगा स्मॉल डिस्टेंस होता है, a इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू r। ओके सो a स्क्वायर तो और भी स्मॉल हो जाएगा r स्क्वायर के कंपेयर में, सो इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, अगर इसको नेगलेक्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा E is equal to 1/4 pi epsilon naught P upon R square और इसकी और पावर 3/2, तो 2 से 2 पावर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिलेगा E is equal to क्या मिलेगा 1/4 pi epsilon naught P over R cube. So it is the formula for equatorial point. Okay? Electric field intensity, electric field strength at equatorial point. Easy है, कोई मुश्किल नहीं है, कर लेंगे. सिर्फ ये बहुत
इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत ज्यादा इजी है, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, बस आपको वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको एज लाइक के वेक्टर ऐड करेंगे, और वेक्टर को ऐड करने का सिंपल रूल है, उसको कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक करो और उसको ऐड कर दो, ओके।